हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि। एंड इस वीडियो में आज देखेंगे हम रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये सभी चीजें इस वीडियो में देखते हैं। आइए देखते हैं हमारा रियल नंबर क्या होता है। ये सभी चीजें जो होती हैं, ये हमारी रियल नंबर होती है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इन सभी चीजों से हमारा जो होता है वो रियल नंबर बनता है। तो ये चीजें क्या है, आके देख लेते हैं एक बार। पहला है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी हमारा नेचुरल नंबर है। इसको इसकी अगर डिफिनेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे डिफिनेशन? डिफिनेशन में हम लिखेंगे ऑल द काउंटिंग नंबर नोन एज ए नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे? ऑल द काउंटिंग नंबर नोन एज ए नेचुरल नंबर। तो एग्जांपल में लिख लेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी हमारा एग्जांपल हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में देखेंगे कि ये सब ये चीजें जो है वो हमारी नेचुरल नंबर की है। 1, 2, 3, 4, ये एग्जांपल हमारा नेचुरल नंबर का लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और भी है। इसके साथ में क्या है हमारा, इसके साथ में हमारा जीरो भी है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या हमारा, इससे हमारा जीरो है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन नेचुरल नंबर together with zero form, natural number together with zero form the collection of whole number। क्या लिखेंगे, natural number together with zero form the collection of whole number। तो ये होगा हमारा इसकी definition। and example में क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, zero लगा के हम वही natural number लिख देंगे। तो यहाँ से question उठता है कि क्या natural number whole number होता है, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो आंसर होगा यस, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर होता है, जो कि होल नंबर में भी होता है 1, 2, 3, 4। तो ये नेचुरल नंबर जो है वो हमारा होल नंबर होता है। लेकिन अगर हम कहें कि होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होता है, तो नहीं, क्योंकि होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में हमारा जीरो भी होता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो इसलिए जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर में क्या है, -1, -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है हमारा, ये इंटीजर्स है। इसकी हमको डिफिनेशन लिखनी है, तो डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, डिफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, डिफिनेशन में लिखेंगे नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल। नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या लिखेंगे हम, नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। और एग्जांपल में क्या होगा हमारा, माइनस, ये जो है ये हमारा एग्जांपल है। तो अभी हम देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा फिर से उठता है, क्या होल नंबर इंटीजर्स होता है, होल नंबर इंटीजर्स होता है? तो आंसर होगा यस, होल नंबर जो है वो इंटीजर्स होता है, क्योंकि इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी चीजें होती हैं जो कि हमारा होल नंबर में भी होता है। और क्या नेचुरल नंबर इंटीजर्स होता है? तो आंसर ये होगा कि यस, द नेचुरल नंबर इज इंटीजर ऑल्सो। क्या अगर हम पूछें कि इंटीजर्स नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर होता है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल भी होते हैं जो कि इन दोनों में नहीं होते। तो हमारा जो इंटीजर्स है वो ना तो नेचुरल नंबर है और ना ही होल नंबर है। इसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है जो p by q की फॉर्म में लिखा होता है, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन वहां पर q is not is equal to 0, मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसकी कमांड है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p by q की फॉर्म में लिखा होता है, ये हमारा रैशनल नंबर है। एंड द रैशनल नंबर एग्जांपल ऑफ रैशनल, एग्जांपल लिखेंगे हम 1 by 1 एंड 2 by 1, ये हो गया हमारा एग्जांपल। क्योंकि क्या ये p by q की फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पर q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर का एग्जांपल।
अभी क्वेश्चन ये उठता है, क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है? नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, या फिर होल नंबर नेचुरल रैशनल नंबर होता है, या फिर इंटीजर्स रैशनल नंबर होता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा यस, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा होता है। तो हमारा जो नेचुरल नंबर क्या होता है, वन एक्सेंट नेचुरल नंबर हमारा होता है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। अब कहेंगे कि अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं हुआ तो ये हमारा रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? लेकिन एक हिंदी में कहावत है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो मैथ में इसका किसी का भी भगवान एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका जो डिविजन होता है वो एक होता है हमेशा। तो ये हमारा जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर होता है। अब इसके बाद क्या क्या होल नंबर रैशनल नंबर होता है? होल नंबर क्या होता है हमारा? होल नंबर का एग्जांपल होता है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी हमारा होल नंबर होता है। तो क्या अभी आप कहेंगे कि इसमें तो जीरो भी है, तो जीरो क्या रैशनल नंबर है? जीरो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और मैथ में भगवान सभी का एक है। तो होल नंबर भी रैशनल नंबर होता है। इसके बाद क्या होता है हमारा? इसके बाद आता है इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर होता है? तो आंसर होगा यस, होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। इंटीजर्स का एग्जांपल क्या था हमारा? 4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या हमारा? ये हमारा होता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता है? अभी जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और मैथ में भगवान सभी का एक है। तो हमारा जो इंटीजर्स है वो भी होल नंबर सॉरी रैशनल नंबर होता है। तो ये सभी क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ सकता था। तो इसमें आज हमारे ये सभी क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए कि रैशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर। ये सभी चीजें हैं, ये जो नंबर्स हैं ये सभी रियल नंबर हैं, ये सभी ही रियल नंबर हैं। तो आज हमने क्या सीखा? रैशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स एंड दैट्स ऑल।